हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने नया डिश लाया है आप लोगों के लिए, मतलब व्हाइट पम्पकिन नहीं, व्हाइट पम्पकिन का लिप से आज हम बनाएंगे नया डिश। पत्ते से हम आज बनाएंगे नया डिश, पत्ते का पिठोऊ आज हम बनाएंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बच्चों लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। खाने में भी बहुत टेस्टी है, आप भी ट्राई कीजिए। ये वन टाइप ऑफ ग्रीन्स भी है, ग्रीन के साथ साथ हमें टेस्ट भी मिल रहा है नया डिश। आप भी टेस्ट कीजिए और हमें भी बताइए कि आइए। आप लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सफ़ेद पेठा का पत्ते लिए हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइट पम्पकिन के लिप्स को हमने यहाँ पे लिए। उसके पत्ते का डिश आज हम यहाँ पे बनाएंगे। हमें पत्ते को अच्छी तरह से साफ करके पानी में अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद हम इसका रेसिपी बनाएंगे। इसके मसाले के लिए हमें चाहिए 2 बड़ा स्पून मस्टर्ड, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा मिर्ची, लाल मिर्ची हमें चाहिए। आप देख रहे हैं हमारा मस्टर्ड पेस्ट बन गया है। अब इसको थोड़ा हम मसालों को अब थोड़ा फ्राई कर लेंगे। पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे और मसालों को डालते हैं और मसाला का पानी जो है उसको थोड़ा डाल के फ्राई कर लेंगे। मसाला में अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मसालों को। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, मस्टर्ड पेस्ट को ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, मसाला ज़्यादा कड़वा हो जाएगा तो खाने के लायक नहीं रहेगा। देखिए हमारा मसाला बन गया है, अच्छी तरह बन गया है। अब पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे, उसको थोड़ा गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम पिठोऊ बनाएंगे। आइए एक पत्ते लीजिए, दूसरा पत्ते दूसरे साइड में रखिए। इसी तरह थोड़ा मसाला लगाएंगे चारों तरफ, थोड़ा थोड़ा करके मसाला लगाएंगे चारों तरफ। तो एक साइड से हम इसको फोल्ड करके जाएंगे, ऐसे फोल्ड करते रहिए। देखिए बन गया हमारा, इसको लेके पैन में डाल देंगे, दबा के रखना। इसी तरह हम बाकी को भी बना लेते हैं। ये बहुत टेस्टी है, आप भी बनाइए। आप देख रहे हैं हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि एक साइड पक गया है, दूसरा साइड हम पकाने के लिए थोड़ा पलटेंगे। देखिए इसी तरह हमें पकाना है इसको थोड़ा थोड़ा। देखिए आपको ज़रूरत होगी तो आप ऑयल भी दे सकते हैं, ये तो ज़्यादा ऑयल नहीं लेता है। हमें धीमी आंच से इसको पकाना है, नहीं तो जल जाएगा। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, देखिए बन गया है अच्छी तरह से। दोस्तों याद रखिए, हमें व्हाइट पम्पकिन के पत्ते से बनाना है, बाकी पत्तों से अच्छा टेस्ट नहीं आता है। देखिए पैन से हम अब निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में, इतना अच्छा बना है। अब इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।